हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47th एजीएम हुई है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम टॉप 10 की आइडियाज जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 47th एजीएम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, दिवाली के मौके पर जियो यूजर्स के लिए शानदार तोहफा रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर आई है 100 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज। जियो इस नए फीचर के साथ गूगल और एप्पल को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। आप सभी जानते हैं कि गूगल और एप्पल क्लाउड स्टोरेज यूज करने के लिए चार्ज करते हैं, बट जियो इसे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला है अपने यूजर्स को। अब हम बात करते हैं जियो फोन कॉल AI की। इस नए फीचर के साथ जियो के 490 मिलियन यूजर्स अपनी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं जियो क्लाउड में, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत ना खो जाए। इसके अलावा AI स्पोकन वर्ड्स को टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करता है और कॉल्स को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। और इसी के साथ कंपनी ने जियो ब्रेन का भी अनाउंसमेंट किया है। यह 5G इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को मोबाइल लैंग्वेज मॉडल्स और AI पावर्ड ऐप्स डेवलप करने में मदद करता है। ये जियो के डिजिटल और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और भी मजबूत बनाएगा। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल आने वाले 3 से 4 सालों में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने के लिए तैयार हैं। रिलायंस रिटेल पहले से ही भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन है और दुनिया की टॉप 5 में से एक है। और आप सभी जानते हैं कि रिलायंस रिटेल के IPO की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है, और शेयर होल्डर्स के लिए एक और बड़ी खबर लेके आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी शेयर होल्डर को बोनस शेयर के रूप में एक एक्स्ट्रा शेयर देने वाला है। अभी रिसेंटली 5 सितंबर को इसकी मीटिंग होने वाली है। अगर बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव होता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सभी शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, और इसी के बाद हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% की तेजी देखने को मिली है। और अब बात करते हैं रिलायंस के नए एनर्जी बिजनेस की। तो मुकेश अंबानी ने बताया कि आने वाले 5 से 7 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनर्जी बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इंडिया के एनर्जी सेक्टर को कैप्चर करने वाला है, और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इसी साल शुरू होने वाली है, और आगे चलकर सोलर प्रोडक्शन फैसिलिटी का पहला चरण भी पूरा हो जाएगा। और वहीं जामनगर में 30 GW की क्षमता वाली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण अगले साल ही 2री छमाही में शुरू हो जाएगा। इसके बाद बैटरी केमिकल्स का प्रोडक्शन भी शुरू होगा, जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड गीगा फैक्ट्री बनाना है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ और अनाउंसमेंट की हैं, लाइक रिलायंस ने गुजरात के कच्छ में 250 किलोमीटर दूर एक बंजर भूमि को 150 बिलियन यूनिट्स बिजली बनाने के लिए लीज पर लिया है, जो कि भारत के एनर्जी कंजम्पशन के 10% को पूरा कर सकता है। और आखिर में हम बात करते हैं जियो फाइबर की। तो आप सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अक्टूबर 2023 में जियो फाइबर को लॉन्च कर दिया था, और इसने 2 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स जोड़ लिए हैं। जियो का लक्ष्य है हर 30 दिनों में 1 मिलियन नए यूजर्स को जोड़ना। इनके प्लान की शुरुआती कीमत 599 से शुरू होती है, और जिसमें 1000 GB तक डेटा मिलता है, इंक्लूडिंग ऑल टॉप OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लाइक Disney+, Hotstar, Netflix, जियो सिनेमा प्रीमियम etc. तो ये थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 47th AGM के टॉप 10 हाइलाइट्स।